फाइनली हम लोग आ चुके हैं कल्पा के सुसाइड पॉइंट पर। हाइट बहुत ही ज्यादा है यहाँ से, तभी इसको सुसाइड पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से मेरा पैर स्लिप और मैं खत्म। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पा। और कल्पा हम लोग आने के बाद काफी चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो उन्होंने सिर्फ डेस्टिनेशन सोचा कि हम लोग कल्पा जाएंगे, एक एम डिसाइड करेंगे, यहाँ पर जाएंगे। फिर पता लगा कल्पा जब आए तो यहाँ से डायरेक्ट आपको किल्लर कैलाश के दर्शन करने को मिल सकते हैं, जहाँ पे वो स्थापित हैं। सुसाइड पॉइंट है यहाँ पे, एप्पल ट्रीज वगैरह हैं यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। नाइट में जब हम लोग बाइक लेकर आए थे इतना समझ में नहीं आया, बट अब फार है। अभी मैं रूम के बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। भाई व्यू देखो, किल्लर कैलाश यहाँ बताया जा रहा है इस पॉइंट पर, जो यहाँ के लोकल के लोग बता रहे हैं। व्यू कितना ज़्यादा शानदार है। इंडिया में क्या कुछ नहीं है यार, बहुत कुछ है। तो हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह भी आ चुका है, सब लोग ब्रेकफास्ट के घर आ गए। नज़ारा और ये टेबल भाई साहब क्या शानदार लग रही है। और ये ब्रेकफास्ट में सामान वगैरह आ रहा, थोड़ा हैवी कुछ खाएंगे। आज दोस्तों हम लोग किसी भी चीज़ को लेकर प्रेशर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होकर सब कुछ करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी रश करके कोई ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता, कि बॉडी की भी बैंड बच जाती हो, आप उस पल को एंजॉय नहीं कर पाते। फिर घर जाके फोटो वीडियो देखने से कुछ नहीं होता कि आप उस पल में जी रहे हो। मैं पूरा टाइम निकाल कर ढंग से एंजॉय कर रहा हूँ, कोई डे वन नहीं, कोई डे टू नहीं, मैं पूरा जितना अनएक्सपेक्टेड टाइम जा सकता हूँ उतना ही दे रहा हूँ। गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:30 अप्रॉक्स होने वाला है, तो हम लोगों ने अब सेकेंड मील के लिए हम लोग कर लिया, मतलब मॉर्निंग हैवी मील कर ले रहे हैं, क्योंकि बाहर यार हम लोग को बहुत गंदी आ जाता है। हम लोग जब बाइक पर राइड करना स्टार्ट करते हैं तो तक कुछ भी नहीं खाते हैं, इवन ये एक बार खाने को नहीं बोलता है कुछ खा ले, तो वही हाल होता है। फूड वगैरह हमारा आ गया है तो हम लोग उसको खा के देन हम लोग चेकआउट करते हैं, क्योंकि चेकआउट टाइम से पहले निकलना है। और मे भी कोशिश करेंगे 11:30 तक यहाँ से पूरा निकल के हम लोग बाहर जाएँ, फिर एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग यहाँ से रूम से निकल चुके हैं, अब चेकआउट कर लेते हैं। और टाइम 11:30 हो रहा है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। और ये रहा हमारा टेम्पल जहाँ हम लोग को जाना है, और उसके बाद आगे एक्सप्लोर करेंगे। अरे भाई गए हैं बाइक निकालने के लिए, तो बाइक ले जा नहीं सकते, तो दोबारा पार्क अगेन कर दिए। चेकआउट करने के बाद होटल का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं। और हमारा चेक इन चेकआउट के बाद भी उन्होंने सारा सामान यहीं पर रख दिया है, कैरी करने में प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा, वॉकिंग डिस्टेंस पड़ेगा, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। हम फाइनली पहुँच गए सुंदर से टेम्पल पर, और किन्नर कैलाश का पॉइंट हो रहा बहुत ज़्यादा। टेम्पल का पूरा वुडन फ्रेम है, आर्किटेक्चरिंग है, पूरा हैंडक्राफ्टेड है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। टेम्पल के अंदर का व्यू बहुत ज़्यादा शानदार है। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ आओ, आ जाओ, आओ। मेरी शक्ल क्या इतनी गंदी है, चंडी माता मंदिर है, चंडी माता टेम्पल। सबसे बड़ी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा क्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, यहाँ की यूनिक क्राफ्टिंग है, पूरा वुडन डिज़ाइन किया गया है, यूनिक क्राफ्टिंग। और यहाँ की जो चेन है बहुत ज़्यादा क्लासी है। अब यहाँ से निकलते हैं, दूसरे लैंडमार्क पर चलते हैं, सुसाइड पॉइंट है और वहाँ पर देखते हैं। यहाँ एक मॉन्स्ट्री और है, वहाँ पर विजिट करते हैं। A few moments later. हम लोग अगेन होटल में आ गए हैं, थोड़ा हमने लगेज वगैरह यहीं पर रख दिया था टेम्पल जाने से पहले, क्योंकि थक रहे थे, दैट्स वाई। तो मोनेस्ट्री को इग्नोर कर रहे हैं, मोनेस्ट्री काफ़ी ज़्यादा देख चुके हैं, दैट्स वाई इग्नोर कर रहे हैं। बाहर से देख लिया, बस फुटेज वगैरह नहीं लिए। अंदर गए थे तो कैमरा हमारा डाउन हो गया था, तो दोबारा यहाँ पर आकर फोन वगैरह चार्ज किया। अब यहाँ से जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट, एप्पल फार्म, जो कि हमारे होटल के जस्ट नीचे भी एप्पल फार्म था, तो बढ़िया लग रहा है। एप्पल वगैरह का भी सीज़न नहीं, तो एप्पल वगैरह है नहीं। उसके बाद रूह विलेज है, तो वहाँ पर देखेंगे। उसके बाद सीधे चित्कौल गैलरी से बाइक निकालते हुए इस होटल में स्टे किया था, यहाँ पे गैलरी थी। अरुण भाई शाउट आउट दो यार। A few moments later. कल्पा में थोड़ा सा हम लोग ऑफ रोडिंग करते हुए थोड़ा ऊपर साइड पे और आए हैं, और कश्मीर वाली पूरी पूरी फील आ रही है, जैसे कि आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर हम लोग समथिंग 1.5 आवर्स हो चुके हैं, मतलब 1.5 घंटा पूरा ऑलमोस्ट हो चुका है। और यहाँ का व्यू बहुत शानदार आ रहा है यार, गर्व वगैरह यहाँ पर पी। वही 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 यहाँ पर कुछ खाने पीने के बाद हम लोग थोड़ा फोटो वगैरह लेंगे, छोटी सी रील वगैरह शूट करेंगे।
अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो वहाँ जाकर फॉलो कर लो, मौसम मौसम से रील्स और बिहाइंड द सीन सारे अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे, फोटोज वगैरह जो पोस्ट करता हूँ। टू आवर्स लेटर। सो गाइस, बहुत ज़्यादा मज़े किए, बहुत ज़्यादा फन किया, टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड किया यहाँ पर, 1% का रिग्रेट नहीं है कि ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, थोड़ा लेट हो जाएगा पर ऐसा ना, ऐसे एडवेंचर करना ईयरली पॉसिबल हो पाता है, अपने आप को हमेशा टाइम देना चाहिए यार। सो हम लोग निकल रहे हैं सुसाइड पॉइंट के लिए और वहाँ से जो भी जगह होगी वहाँ जाना है, देखते हैं उसके बाद चितकुल निकलेंगे सीधे। जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे उनका खुद का ओन प्राइवेट गार्डन था, ग्रास वगैरह लगे थे भैया, एप्पल खाने का बहुत मन कर रहा है, देखो हर जगह देखेंगे हर जगह। A few moments later, I love Kinnaur. तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं कल्पा के सुसाइड पॉइंट पर, तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है, यहाँ तक आने में हालत टाइट हो गई आते हुए, बट मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है भाई, हाइट बहुत ही ज़्यादा है यहाँ से, तभी इसको सुसाइड पॉइंट बोलते हैं, यहाँ से मेरा पैर स्लिप और मैं ख़त्म भाई बहुत शानदार लग रहा है सब, मज़ा आ रहा है, थोड़ी देर रुक के चलते हैं यहाँ से। क्या हो गया सर, पंचर हो गए? ये किसका, आपका है? हेलो हेलो खालो, हम जा रहे हैं, लेट हो जाए, बाय बाय हैंडशेक, बाय बाय। गाइड हम लोग फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर, जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था मोनेस्ट्री और टेंपल उस साइड है, तो वहाँ पर हम लोगों ने विजिट कर लिया, हम लोग जा रहे हैं बाय बाय प्यारे होटल। सो हम लोगों ने समथिंग अप्रॉक्स 3-4 hours यहाँ पर स्पेंड किए हैं एक्स्ट्रा, और होटल से हम लोग निकले थे 11:30 या 11 पर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हां भाई बहुत टाइम लग गया आने में, सुसाइड पॉइंट यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं और ब्रो, सुसाइड पॉइंट पर सुसाइड हम लोग आज चितकुल भी जा रहे हैं, चितकुली तो जा रहे हैं, चितकुल जा रहे हो ना? हाँ हाँ, तो हम भी चितकुली आ रहे हैं, एक एक भी चीज नहीं छोड़ी मैंने रास्ते में, सब ऊपर नहीं, सब जगह घूमो गए ना चितकुल, हां जा ही रहे हैं सुसाइड पॉइंट के पास, हम भी इसके बाद चितकुली जा रहे हैं, आओ फिर ओके, चलो सर ये लोग भी चितकुली जा रहे हैं, हम भी इसके चितकुली जाएंगे। कैसे मिलेंगे इनको, हम देवन से ऐसे घूम रहे हैं, एक तरह साथ में ही है, बस थोड़ा सा मैं प्रोसीड करके इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन आगे जाके चलो ठीक है, अच्छा एक काम करो 4 kilometers देख लो, मैंने भी दिन बढ़ा दिया, 2 दिन अपने इंक्रीज कर दिए, फिर क्या कर सकता हूँ यार, छोड़ के जाने का मन नहीं, 3 दिन बढ़ा लिया मेरे साथ भी, यही सोच के कुछ आया तो हो कुछ और रहा है यार, टाइम लग रहा है यार, हाँ वो समझ, हर चीज़ छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा ना। डेंजरस रोड है यहाँ पर, एक भी गाड़ी नहीं है, सिर्फ हम लोग हैं, और गूगल मैप पे दिखा भी रहा था सिक्योर नहीं है ये रूट, अरे भाई यहीं से टाइल्स जाती हूँ यार घर में, अरे बाबा हाँ अरे यार वहाँ जाना था, पूरा बंद है, वहाँ बंद है ना बहुत, उधर उधर से जाना था ना आप लोग, तो जाना था ना उतने दूर आ गए, चलो कोई बात नहीं अब देखते हैं, थैंक यू। यहाँ ब्लास्टिंग हो रखी है आगे, तो रूट ब्लॉक है आगे, पत्थर पत्थर पड़े हुए हैं, स्टोन पूरा पाथ ब्लॉक है, अरे खाई देख रहे हो कितनी ज़्यादा है, चलो ऐसा लग रहा है पुराने जमाने का कासल वगैरह है, 300 megawatt की पावर प्रोड्यूस करता है ये, मतलब शानदार चीज है यार, फर्स्ट टाइम है देवभूमि किन्नौर।
डैम जिस तरीके से देख रहे हैं ना, मेरी लाइफ का ये फर्स्ट डैम है जहाँ मैं देख रहा हूँ इस तरीके से, इतना बड़ा ह्यूमंगस सा। यहाँ साफ साफ वार्निंग लिखी है, सावधान रहें, पत्थर गिरते निकल ले रहे हैं यहाँ से। आगे से देख के बताता हूँ मेरे को आपको। गाइस सतलज रिवर है, और रिवर क्या डैम ही है पूरा। रिवर उस साइड कितना ह्यूमंगस था, अब ये सामने देख रहे हैं। अभी शिमला जाने के लिए देख रहे हैं किस साइड जाना है। किलवा इधर है, सतलज इधर है। ये घर कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ से देखने में। सामने देख लेता हूँ पंजाब में। जय माता की। भाई जंग चल रही है यहाँ तो। बहुत सुंदर टाउन है यार। गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं सांगला, सांगला में, और आई लव सांगला का साइन भी देखने को मिल गया। अभी समथिंग हमारा आधा सफ़र बाकी है, तो हम लोग उस चीज़ को प्रोसीड करते हैं आगे। बाइक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है बिकॉज हम लोगों के पास चेन ड्यूब नहीं बचा है, तो मे बी शायद हम लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं सोच रहा हूँ रिटर्न भी हम लोग उसी टूल के बाद सीधे कर पाएँ। नाइट भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, टपरी वगैरह कहीं पर स्टे कर ही लेंगे। फिर क्या करना है, गाड़ियाँ इधर बोल रहे आगे रोकने के लिए, आगे लगाओ भी चलता है। अरे मेरे पास इधर आगे शायद कोई लैंडस्लाइड वगैरह हुई है, रोड ब्लॉक है, यहाँ पे रोक रहे हैं। अच्छा पानी है वाला तो बोलते हैं यहाँ के लोग, ये पार खड़ी। ये किन्नर कैलाश वाला रूट है ना, ट्रैक वाला? नहीं ट्रैक वाला नहीं है भाई, किन्नर कैलाश का बैक साइड वाला है। किन्नर कैलाश का बैक है? हाँ बैक साइड के। हाँ बस वो जाने के रास्ता कहाँ से है? आगे से ही है। सीआरपीएफ वाला जवान वगैरह की गाड़ी वगैरह आ रही है, तो ज़्यादा बड़ा चौड़ा रूट नहीं है, तो दैट्स व्हाई उन्होंने रोकने को बोला। अब कितना टाइम लगेगा ये किसी को नहीं पता। देखो भाई बहुत टाइम हो गया है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा गाड़ियाँ कब जाना भटकान होगी। और गाड़ियाँ देखो बताओ मेरी हालत ख़राब हो, गाड़ियाँ देखो वहाँ से कितनी क्रॉस हो रही हैं। हम लोग समथिंग यहाँ पर 45 मिनट्स हो चुके हैं, आधा घंटा बोला था, गाड़ी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। अब निकलते हैं यहाँ से, देखो लास्ट व्हीकल वो आ रहा है, चलो निकलते हैं यहाँ से। One hour later. दोस्तों चितकुल से अभी जस्ट मैं समथिंग 8 या 9 किलोमीटर अप्रॉक्स पहले रुका हूँ। यार मैं इस जगह को डिफाइन नहीं कर सकता, और मैं ना कोई शब्द बोलूँगा, मुझे इतना प्यारा लग रहा है। मे बी सनसेट की वजह से लग रहा हो। मैंने लाइफ के फर्स्ट टाइम ये पाइन कोन्स देखे हैं, इससे पहले मैंने कभी लाइफ में नहीं देखे थे। कश्मीर वगैरह गया था तब शायद मैंने नहीं देखा, वहाँ पे इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया, बट इस बार थोड़ा सा रुक रुक के हर पल को एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है यार। पता आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आपके लिए शायद मे बी आप कुछ हेटर्स हों, कुछ पॉजिटिव सोचते हो, किसी को कोई मतलब नहीं, न्यूट्रल हो, बट ना मैं आपको रिव्यू नहीं दे रहा हूँ किसी जगह का। मुझे पर्सनली वो चीज़ जो फील हो रही है मैं वो सिर्फ बता रहा हूँ आपको, मुझे अच्छा लग रहा है। जब आप रियल में यहाँ पे होते हो ना, इस कैमरे के इस साइड ना कि उस साइड, तो आपको ज़्यादा इन्जॉय करने को मतलब समझ में आता है। अरे यार सामने सीआरपीएफ के जवानों की बस आ रही है, हम निकाल कैसे नहीं निकल पाई, इतनी जगह चाहिए होगी ये वाली, हम निकाल दो। A few moments later. India's last village पर हम लोग आ चुके हैं guys. मतलब चितकुल बहुत awesome जगह लग रही है, मतलब अभी तक जिस तरीके से ride कर रहे थे उस तरीके से तो बहुत ज़्यादा awesome है। यहीं से हमारे किन्नर कैलाश के लिए ट्रैक करने के लिए ऑप्शन भी मिलेगा, और काफ़ी कुछ ऑप्शन मिलने वाले हैं। मतलब मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले लूँगा किन्नर कैलाश के, जब ट्रैक वगैरह करने के लिए मेरी ताकत होगी, मेरी थाइज मोटी मोटी हो जाएंगी, वैसे तक वो कभी होना से राइट। बाय द वे पॉइंट की बात यह है कि इसकी जो एल्टीट्यूड है वो है 11,320 फीट, तो ये भी काफ़ी ठीक है और बढ़िया है। सिग्नेचर्स वगैरह कर रखे हैं लोगों ने, बट मुझे ये सब नहीं करना, मुझे गंदा नहीं करना बोर्ड, बस ये मेरा माइंड सेट है, बाकी आप लोगों को मन है तो करो। और बाइक हमारी यहाँ पर है, मज़ा आ रहा है। अब एक काम करते हैं चटकू में जाकर रूम वगैरह देखते हैं। तो गाइस अभी हम लोग इंडियाज लास्ट प्लेस पर आ गए, जो कि हिंदुस्तान का आखिरी पोस्ट ऑफिस भी यहीं पर ही है। तो ढाबा नीचे है भाई,
पूरा सुनसान रखा, अंधेरा है, पर देखते अंदर बहुत ठंडा है यहाँ पर। क्लोज है यार, अभी क्लोज है। कल मॉर्निंग में यहीं पर ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। चलो अपनी लोकेशन पर चलते हैं, जहाँ पर स्टे किया वहीं पर कुछ फूड वगैरह को देखते हैं। गाइस हम लोग चितकुल में आ चुके हैं, तो और हम लोगों ने इस होटल में स्टे किया है। बाइक वगैरह हमारी उस साइड पार्क है, रूम ये रहे हमारे, तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया है। लोकेशन काफ़ी अच्छी है और यहाँ का जो ओनर है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा कॉपरेट किया। एक रूम उनके पास खाली नहीं था, मुझे ये लोकेशन बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, तो उन्होंने मुझे जो एकदम बढ़िया सा रूम था उन्होंने वो दिया हम लोगों को। उसमें सब मैं प्लग हमारे लिए बढ़िया का मतलब पता है क्या है, हमें ज़्यादातर सॉकेट बोर्ड ज़्यादा मिल जाएँ जिससे हमारे इलेक्ट्रिक गैजेट सारे प्रॉपर तरीके से चार्ज हो जाएँ। बाकी यहाँ पर बीन बैग्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे से पपीस, लाइक मेरे भांदू जी देखो तीनों सो रहे हैं, और अरविंद भाई मेन्यू देख रहे हैं। यो सर, यहाँ पर शायद टेम्परेचर मे बी 5 या 4 होगा, इस टाइम पर टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है।